पन्ना जिले में बीते दिनों एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से पूरे जिले में धारा 144 लागू है और जिले में सीमावर्ती चेक पोस्ट पर सतर्कता जारी है। बिना परमिशन के पन्ना जिले में प्रवेश वर्जित किया गया है। रात्रि में सिमरिया चेक पोस्ट पर गुजरात से फर्जी पास बनवा कर आ रही यात्री बस को पकड़ा गया। जिस यात्री बस पर जब्ती की कार्रवाई की जा रही है, उस बस में पन्ना सतना रीवा के 58 मजदूर थे, जिनसे बस मालिक द्वारा मजदूरों को घर छोड़ने के नाम पर मनमाना किराया वसूला गया। जिले की सीमा चेक पोस्ट में रात्रि के समय सख्ती के साथ इस वाहन को पुलिस अमला चेक कर रहा था ताकि कोई संदिग्ध व्यक्ति जिले में प्रवेश न कर सके। पन्ना से चरणजीत सिंह बंजारा की रिपोर्ट। बस गुजरात सूरत शहर से पन्ना सतना और रीवा की सवारी लेकर, बस में 58 सवारी हैं और लेकर के ये छोड़ने जा रही थी। मैंने चेक पोस्ट पे जब इसके कागजात और बस के पास देखे तो इस गाड़ी का पास, गाड़ी क्रमांक है GJ14W0651, इसका पास सूरत से भिंड के लिए बना हुआ है और 58 सवारी का पास है। सूरत से भिंड के लिए जाना था इसको, लेकिन यह सूरत से पन्ना सतना और रीवा की सवारी भर करके और इधर आ रहा था। इस बस के खिलाफ नियमानुसार जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी और बस मालिक और वाहन चालकों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाएंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।